सब्सक्राइब करन्तु टेक्सन्तु चैनल को एवं बेल आइकन को प्रेस करी ऑल को प्रेस करनियन्तु लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। समस्त बंधु मान को सादर प्रणाम जनाउछि मु संजय। चालन्तु आजिर अपडेट विषय रे आलोचना करिबा। हाय फ्रेंड्स, मु संजय आपनकु टेक्सन चैनल को स्वागत जनाउछि। आजिर अपडेट नंबर रहिछि 104। एही अपडेट रे रहिछि समस्त सरकारी हाईस्कल पाइब नुआ रूप स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम अनुष्ठित। जानवा यह विषय सुंदरगढ़ में हाईस्कल ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम अनुषित होती। कार्यक्रम जरिया जिले समस्त सरकारी उच्च विद्यालय गुड़िकर भित्तिभूमि और शैक्षिक परेशर उन्नतिपाई खसड़ा प्रस्तुत कराफल स्कूल परेश आकर्षण गुणात्मक शिक्षा को प्रोत्साहन मिल। राज्य सरकार 5T और मो सरकार अभियान अधीन सुंदरगढ़ में हाईस्कल ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम हाथ को नि गत स्थानीय विकास भवन में जिलापाल निखिल पवन कल्याण अध्यक्षतार एक प्रस्तुति बैठक आयोजित होता। हाईस्कल ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम रूपरेख संपर्क में विस्तृत भाव आलोचना कर स्मार्ट क्लासरूम पाठपढ़ा सह लाइब्रेरी ई लाइब्रेरी विज्ञानगार खेल पड़िया पानी जल और स्वच्छ शौचालय आदि विषय लगी प्राथमिकता दि जाऊँगी। आसंता 2 वर्ष भितर यह सारे लक्ष्य रखा जिलापाल निखिल पवन कल्याण बैठक आलोचना बेले कही। तो यह बैठक में जिला ग्राम्य उन्नयन संस्था प्रकल्प निर्देशक भैरव सिंह पटेल, जिला शिक्षाधिकारी प्रमोद कुमार षडंगी, विभिन्न ब्लॉक वीडियो, जिलार विभिन्न स्थान सरकारी उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक, सहकारी शिक्षक, विद्यालय परिचालन कमिटी सदस्य, स्थानीय सरपंच मान जोग देते। सुंदरगढ़ जिलार समस्त 17 ब्लॉक में मोट 482 उच्च विद्यालय रही। ताभर सरकारी अनुदान प्राप्त और TRW हाईस्कल को मिसाई मोट 383 स्कूल नवीकरण कार्य कार्यक्रम पर जिला खनिज प्रतिष्ठान एवं ओम्बर्सी पांठि आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रथम पर्यायर 40 हाईस्कल रूपातरण कार्य हाथ को नहीं सुंदरगढ़ जिला प्रशासन सेप्टेम्बर सुधा यही कार्य शेष करने को लक्ष्य रखाई। तो निश्चित भाव में यह एक बड़ अपडेट गोटे नुआ कार्यक्रम आम सुंदरगढ़ जिले आरंभ हो परवर्ती अपडेट को शिशु और किशोरी को पोषणयुक्त लगी सरकार प्राथमिकता समन्वित शिशु विकास योजन 25.48.37 कोटी अनुमोदन परवर्ती पर्याय को जीव अंगनवाड़ी केन्द्र सबु ड्रॉपआउट किशोरी बालिका को आधार संयोग बाध्यतामूलक मुख्य सचिव। राज्यर समस्त प्रसूति शिशु किशोरी माने किभली सुस्थ निरामय रहिबे से नै सरकार गुरुत्व देवा सहित बजेट अधिवेशन रे गोटे दिन पर 25.48.37 कोटी टंका विभाग अनुमोदन देछंती। ए संक्रांत रे सोमवार मुख्य सचिव सुरेन्द्र चंद्र महापात्र अध्यक्षतार अनुषित बैठक में अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़ी को परवर्ती पर्याय को नेवाई निष्पत्ति होती। श्री महापात्र कहते सब अंगनवाड़ी केन्द्र में विद्युत पानी जल और परिमल सुव्यवस्था होगा सहित शिशु को खेल सहायता शिक्षादान जोगाई दिजाव विभाग गुरुत्व देवार आवश्यकता रही। या बाद 11-14 वर्ष वयस्क जो किशोरी मैंने पाठपढ़ा छाड़ से चिह्नट कर आधार संयोग कर दरकार जद्वारा किशोर योजन से सामिल कर किशोरी मानी स्वतंत्र योजना सांग को पोषण कार्यक्रम 338 ICDS प्रकल्प कार्यकारी हो राज्य में 35,08,000 शिशु अंगनवाड़ी केन्द्र में शिक्षादान होती 7,32,000 प्रसूति और 13,082 किशोरी बालिका योजनार अंतर्भुक्त रही। चलित वर्ष खर्च होगा 25.48.37 कोटी टंका 2,341.43 कोटी टंका केवल अंगनवाड़ी केन्द्र और पुष्टि योजना लगी खर्च हो। शिशु मानक लगी औषधीय किट और ड्रेस बाबद को 7.42 कोटी और पोषण योजन 199.52 कोटी टाँग खर्च हो। सरकार प्रस्ताव अनुजाई प्रत्येक किशोरी को वर्ष को 300 दिन लगी 9.50 पैसा हिसाब से पुष्टियुक्त सहायता जोगा दिजाव। शिशु और किशोरी आचार व्यवहार किपर श्रृंखलित और परिमार्जित होता गुरुत्व दिजा सहित से ठीक समय अंगनवाड़ी केन्द्र को आसुंचा ना ता ट्रैकिंग लगी मोबाइल आप व्यवस्था अपना जाइए। बैठक में उन्नयन कमिशनर प्रदीप जेना सहित अर्थ विभाग प्रमुख सचिव अशोक कुमार मीना प्रमुख सामिल थे। निश्चित भाव एक बड़ अपडेट जीवन परवर्ती अपडेट को
लेटर रही गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तरफ लेटर नंबर रही 11587 लेटर रही 6/4/2021 लेटर टी श्री विष्णुपद सेट्टी आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट लेटर टी कराई टू ऑल कलेक्टर्स सब्जेक्ट रही रिवाइज्ड गाइडलाइंस फॉर इश्यू ऑफ मिसलेनियस एंड कास्ट सर्टिफिकेट्स तो जातिगत प्रमाणपत्र अन्यान्य प्रमाणपत्र इश्यूर गाइडलाइन को रिवाइज कर देखा कौन रही रिवाइज गाइडलाइन रे एक नंबर रही रेसीडेंट इनकम एंड आसेट सर्टिफिकेट व्हिच आर प्रेजेंटली इश्यूड विदिन 15 डेज आज पर दि एक्सटेंट रूल शाल बी इश्यूड विदिन 10 डेज हेन्स फोर्थ रेसीडेंट सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट गुड़ी को 15 दिन परिवर्तन 10 दिन भितर इश्यू करने कहुई द्वितीय नंबर रही एस टी एस सी एस सी बी सी एंड ओबीसी सर्टिफिकेट्स शाल बी इश्यूड विदिन 15 डेज इनस्टेड ऑफ 30 डेज तो जातिगत प्रमाणपत्र एस टी एस सी एस सी बी सी और ओबीसी सर्टिफिकेट को 30 दिन परिवर्तन 15 दिन में इश्यू करा जिवो तीन नंबर रही सॉल्वेंसी लीगल हेयर गार्डियनशिप सर्टिफिकेट शाल कंटिन्यू टू बी इश्यूड विदिन 30 डेज तो उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र अभिभावक प्रमाणपत्र को 30 दिन भीतर इश्यू करा जिवो चार नंबर रही लीगल हेयर सर्टिफिकेट शाल बी इश्यूड फॉर ऑल पर्पज सो दैट सिटीजन्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई मोर दैन वन्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट समस्त पर्पज में इश्यू करा जिवो जहाँफल साधारण जनता आउ बारंबार अप्लाई कर साधारण जनता को आउ बारंबार अप्लाई करिवा को पड़िबो नहीं दिज इंस्ट्रक्शंस शाल बी गिवन इमीडिएट इफेक्ट टू पेंडिंग एंड अमेंडमेंट ऑफ द रिलेवेंट एक्ट और रूल्स बाय रेवेन्यू एंड डीएम डिपार्टमेंट एंड एसटी एससी डेवलपमेंट माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट तो निश्चित भाव में एक बड़ अपडेट जीवर परवर्त अपडेट को ग्राहकों को सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड लगी सावधान कला एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट बाहन चोरी होउछि तथ्य एसबीआई तांकर कोटि कोटि ग्राहकों लगी एक बड़ सतर्कता जारी करछि एथिरे बैंक को मिलता सूचना आधार में साइबर अपराधी मैंने ग्राहकों फिक्स्ड डिपॉजिट बाहन से खातार तथ्य चोराई नेउछन्ति यहाँ सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड बोली कहुए एमने ग्राहकों नाम मोबाइल नंबर एटीएम डेबिट कार्ड नंबर सीवीवी नंबर आदि मागि नहीं आकाउंट खाली करदे बैंक कर्तृपक्ष केबे भी फोन रे पासवर्ड ओटीपी सीवीवी कार्ड नंबर आदि व्यक्तिगत बरणी मागि न था एणु कहीं फोन कर जदि आपंक किसी तथ्य मागे तेरे से बाबद प्रथम बैंक सह जोगाजोग करूँ बोली एसबीआई कही बैंक पाई सूचना अनुसार एपरी साइबर अपराधी मैंने अनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट प्रस्तुत करुवा सूचना मिली एणु ग्राहकों कहासह निजर बैंक डिटेल्स सेयार न करने को सतर्क कराई कारण बैंक केवे भी यही सूचना टेलीफोन में मागि न था सेपटे देशर द्वितीय कोरोना लहर को दृष्टि रखी बैंक ग्राहकों अनलाइन एवं विभिन्न सेवा जोगाई देखा सूचना तो निश्चित भाव यह एक बड़ अपडेट जेहेतु अनलाइन फ्रॉड चली सेथिपाई एसबीआई तार समस्त ग्राहकों को सावधान कर देछि जीवावर परवर्ती अपडेट को लेटर टी रही ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन तरफ लेटर नंबर 467 डेटेड रही 2/2/2021 लेटर टी करछन्ते श्री लिंगराज पंडा आईएएस स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ओएवीएस लेटर टी कराइछि टू ऑल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सब्जेक्ट रही एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स इन 250 ओडिशा आदर्श विद्यालय ऑफ द स्टेट फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22 तो 2021-22 शिक्षा वर्ष पर 250 ओडिशा आदर्श विद्यालय पिलामानकर एडमिशन संबंध लेटर टी रही रही इन 2020-21 एडमिशन प्रोसेस वाज कंप्लीटेड इन 36 न्यू ओडिशा आदर्श विद्यालय इन डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ द स्टेट तो 2020-21 शिक्षा वर्ष पर नुआकरी निर्माण होता 36 आदर्श विद्यालय एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराइला बट ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ पैंडेमिक कोविड 19 इंफ्रास्ट्रक्चरल एज वेल एज दि रिक्रुटमेंट प्रोसेस कुड नॉट बी कंप्लीटेड ड्यू टू टाइम फॉर व्हिच गवर्नमेंट हैव बीन प्लेस टू अलाउ द स्टूडेंट्स सिलेक्टेड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6 इन 2020-21 टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन इन क्लास 7 ऑन द रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द एकेडमिक ईयर देयरफॉर इन दोज 36 ओएवीएस व्हिच वेयर ऑट टू बी ओपन्ड इन 2020-21 फिफ्थ फेज ओएवीएस द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 एंड 7 विल कंटिन्यू देयर एजुकेशन इन दिज 36 ओएवीएस स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट ऑफ लास्ट ईयर अप्रूव्ड लिस्ट शाल बी अलाउड फॉर एडमिशन इन
द वैकेंट सीट्स इन क्लास 7 एक्सपेक्ट ओएभीएस जामुडीह नीलगिरी बालेश्वर व्हिच इज सबजुडिस इन ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा। तो जो 36 नुआ ओडिशा आदर्श विद्यालय निर्माण कराइला कंप्लीट कराइला पिलामानकर एडमिशन पाई किंतु कौनसी कारणवशत एडमिशन करा जाय नथिला तेणुकरी 2021-22 एकेडमिक ईयर पाई सही पिला मानु जो पिला माने सही स्कूल पाई सिलेक्शन होइतले से मानकु पुनर्बार सप्तम पाठ पढ़िया पाई सुजोग दिया जायछि एवं हाईकोर्ट को निर्देश अनुसार जामुडीह नीलगिरी और बालेश्वर रही ओडिशा आदर्श विद्यालय एडमिशन हो पार ना क्लास सप्तम पर। तो निश्चित भाव में यह एक बड़ अपडेट जामर परवर्ती अपडेट को लेटर रही डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस समग्र शिक्षा तरफ लेटर नंबर रही 1113 डेटेड रही 3/3/2021 लेटर कराई टू डीओ कोरापुट डीडब्ल्यूओ कोरापुट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर कोरापुट प्रिंसिपल डायट जयपुर एवं समस्त बीओ को लेटर टी रही सब्जेक्ट रही कन्वेइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन कमिटी मीटिंग फॉर रेगुलाइजेशन ऑफ जूनियर टीचर टू लेवल 5A असिस्टेंट टीचर एंड अपॉइंटमेंट टू जूनियर टीचर फ्रॉम जूनियर टीचर्स कॉन्ट्रैक्चुअल रिगार्डिंग। तो कनिष्ठ शिक्षक मानकर रेगुलाइजेशन प्रक्रिया एवं जूनियर टीचर कॉन्ट्रैक्चुअल मानक जूनियर टीचर अपॉइंटमेंट करने एक मीटिंग रही देखा कौन रही के तारीख में फिक्स कराई मीटिंग टी मैडम सर विथ रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइडेड अबव आई एम डायरेक्टेड टू इंटीमेट यू दैट द डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन कमिटी मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कलेक्टर कोरापुट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जूनियर टीचर टू लेवल 5A असिस्टेंट टीचर एंड अपॉइंटमेंट टू जूनियर टीचर फ्रॉम जूनियर टीचर्स कॉन्ट्रैक्चुअल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरापुट इज फिक्स्ड ऑन 7/4/2021 8:30 PM इन द कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस हॉल कलेक्ट्रेट कोरापुट। तो जो मीटिंग आमर करा 7/4/2021 दिन अपराह 3:30 कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल रे रहिबो मीटिंग रे कनिष्ठ शिक्षक मानक लेवल 5A असिस्टेंट टीचर भाव में अपॉइंटमेंट दिजिव एवं जो जेटीसी मानकर 3 वर्ष पूरण कनिष्ठ शिक्षक अपॉइंटमेंट करने मीटिंग टी रही हेन्स आई एम रिक्वेस्ट यू टू अटेंड द DLSC मीटिंग एज पर द डेट टाइम एंड वेन्यू फिक्स्ड इन फाइनलाइजेशन। निश्चित भाव में यह एक बड़ अपडेट जेटी एवं जेटीसी मानी जामर परवर्ती अपडेट को छात्र छात्री को मिले 1100 टंका बैंक आकाउंट ट्रांसफर करेंगे सरकार जानतु कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ता छात्र छात्री को मिले टंका यही टंका देवे उत्तर प्रदेश सरकार छात्र छात्री बैंक आकाउंट को यही टंका पठाइब सरकार कहते स्कूल में पढ़ता छात्र छात्री को एवं यूनिफर्म बैग जोता किणवाई 1100 टंका मिल प्रत वर्ष यह सब जिन छात्र छात्री को मिलवे विलंब हो तेणु सरकार यही निष्पत्ति नहीं सरकारी बयान अनुसार गणशिक्षा विभाग द्वारा यूनिफर्म स्कूल बैग और जोताई एक निर्दिष्ट राशि लाभार्थी आकाउंट को ट्रांसफर करा प्रस्ताव को एवं कैबिनेट को पठा जा प्रस्ताव अनुसार यूनिफर्म पर 600 टंका स्कूल बैग स्वेटर जोता और मोजापी 500 टंका प्रदान कर सूचनाजोग्य उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष 1.6 कोटी छात्र को मागणारे स्कूल यूनिफर्म बैग आदि सुविधा मिलता है किंतु एथिपाय सरकार विलंबित होता नहीं अभियोग आसुची या प्रतिहत करने सत वितरण समस्या शेष करने को सरकार एपरी निष्पत्ति नहीं तो निश्चित भाव में एक बड़ अपडेट आम राज्यर अपडेट नी एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट ये आम अपडेट गुड़ समाप्त हो धन्यवाद। ये थिला आजर अपडेट एमती किसी नुआ नुआ अपडेट सह मु पुणी आसिबी आपनक निकट को तो आगर कही रखी जे माने चैनल टी प्रथम थर विजिट करछंती चैनल टी सब्सक्राइब करंतु नोटिफिकेशन बेल टी प्रेस कर दियंतु एवं वीडियो टी लाइक तथा शेयर कर दियंतु धन्यवाद।